नमस्कार, शाम के 6 बज रहे हैं। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। उत्तर प्रदेश में बढ़ते चुनावी तापमान के बीच एबीपी न्यूज हर शनिवार आपको दिखा रहा है उत्तर प्रदेश का चुनावी मूड। पिछले हफ्ते भी हमने सर्वे किया था और अब चुनाव तक ये सिलसिला हम लगातार जारी रखेंगे। आपको हर हफ्ते उत्तर प्रदेश का चुनावी मूड बताएंगे। चुनावी माहौल में जुबानी जंग तो हो रही है, अपने अपने दावे और वादों से वोटर्स को लुभाने की कोशिशें भी जमकर हो रही हैं। और जिस दौरान ये सर्वे हुआ है उस दौरान दो बड़ी बातें हुई। एक तो देखिए, जो कृषि कानून थे तीनों, उन्हें वापस लेने का ऐलान कर दिया गया, और दूसरा जेवर एयरपोर्ट, उसके शिलान्यास को लेकर जबरदस्त सरगर्मी रही। तो अगले 1.5 घंटे हम चर्चा करेंगे, बताएंगे आपको एक हफ्ते में उत्तर प्रदेश का चुनावी खेल कितना बदला, कौन पास हुआ कौन हुआ फेल। इलेक्शन डेटा सेंटर से मेरी सहयोगी शिरीन हमारे साथ जुड़ेंगी अगले 1.5 घंटे तक और हर बड़ा आंकड़ा वो आप तक पहुंचाएंगी, और साथ ही इन आंकड़ों का मायने आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल होगा, उनके साथ हम चर्चा करेंगे। आप इस वक्त देख सकते हैं मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा जो स्टूडियो में ही मौजूद हैं। इसके अलावा नेशनल एक्सपर्ट वरिष्ठ पत्रकार शशि शेखर जी हमारे साथ मौजूद हैं इस चर्चा में शिरकत करने के लिए, और साथ ही हमारे रिपोर्टर्स की टीम। हमारे रिपोर्टर्स की टीम में आप देख सकते हैं अयोध्या से संजय त्रिपाठी, गोरखपुर से रणवीर और जेवर से नीरज पांडे हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे जमीनी नब्ज भी। लेकिन सबसे पहले रुक करेंगे डेटा सेंटर का, जहां शिरीन हमारे साथ मौजूद हैं, और आपकी आसानी के लिए उत्तर प्रदेश को जो 4 क्षेत्रीय हिस्सों में हमने बांटा है उसी से शुरुआत करते हुए सबसे पहले बुंदेलखंड की क्या है तस्वीर शिरीन बताएंगी आंकड़ों के जरिए। शिरीन बिल्कुल रोमाना, देखिए आंकड़ों का खजाना लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं। और सबसे पहले देखिए, मैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हूं जिसकी हाल ही में सौगात प्रधानमंत्री ने देश को दी, लेकिन अभी सियासत का भी एक्सप्रेसवे हो चुका है। लेकिन क्योंकि आपने कहा कि हम 4 अलग अलग हिस्सों का जिक्र कर रहे हैं, तो सबसे पहले बात सबसे छोटा रीजन लेकिन महत्वपूर्ण बहुत ज्यादा हो जाता है क्योंकि इसका असर बहुत बड़ा है, 19 सीटें लेकर बुंदेलखंड रीजन के आंकड़े आखिर क्या कहते हैं जल्दी से दर्शकों को दिखा देते हैं। बुंदेलखंड रीजन में किसे कितने वोट मिलने जा रहे हैं इस हफ्ते के आंकड़े क्या कह रहे हैं, तो आंकड़े ये बता रहे हैं कि 41% बीजेपी प्लस को जा रहे हैं बुंदेलखंड रीजन में आंकड़ों के हिसाब से। इस हफ्ते की जो तस्वीर वो ये है, दूसरे नंबर पर एसपी प्लस 32% वोटों के साथ दूसरे नंबर पर है, बीएसपी 13% और कांग्रेस को 9% वोट यहां पर जाते दिखाई दे रहे हैं, और अन्य के खाते में 5%, यानी कि 19 सीटों का यह फिलहाल जो इस हफ्ते का आंकड़ा है रोमाना वो ये कहता है। अब आप ये बताइए कि पिछले हफ्ते और इस हफ्ते के आंकड़ों में आखिर क्या फर्क नजर आ रहा है। बिल्कुल, दर्शकों को दिखाएंगे हम 20 नवंबर जो हमने आंकड़े दिखाए थे, एक हफ्ते में कितनी तस्वीर बदली है, और 19 नवंबर की तारीख महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि यही वो तारीख थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी बुंदेलखंड इलाके के लिए जबरदस्त सौगात का ऐलान भी किया था। ऐसे में एक हफ्ते में तस्वीर कितनी बदली, 20 नवंबर बीजेपी प्लस 42% पर था और आज का सर्वे ये कह रहा है कि 1% की कमी के साथ 41% पर बीजेपी प्लस बीजेपी गठबंधन नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी का गठबंधन जो पिछले हफ्ते 31% था वो इस हफ्ते उसमें 1% की बढ़ोतरी हुई है, 32% पर वो नजर आ रहा है। वहीं बीएसपी पिछले हफ्ते भी 13%, इस हफ्ते भी 13% वोट शेयर, कांग्रेस पिछले हफ्ते भी 9%, इस हफ्ते भी 9% का वोट शेयर, अन्य के खाते में 5-5% वोट शेयर जाता हुआ। तो कमोबेश जो बड़ी तस्वीर उभर कर आ रही है वो 1% का घाटा यहां पर बीजेपी को इस एक हफ्ते में, और वही 1% की बढ़त समाजवादी पार्टी गठबंधन को इस एक हफ्ते में होती हुई नजर आ रही है। हम सीधे जरा इसके मायने समझ लेते हैं, पंकज झा स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। तो पंकज जी, कमोबेश जो बढ़त है बीजेपी गठबंधन की इस बुंदेलखंड में वो बरकरार? जी हाँ, देखिए बुंदेलखंड में तो दो अहम बातें हैं। एक, जिस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात कही जा रही है, बुंदेलखंड में मुस्लिम आबादी उतनी नहीं है, और दूसरी बात पिछड़ों की आबादी बहुत ज्यादा है और दलितों की भी, खासतौर से अति पिछड़ों की आबादी देखे। और बीजेपी ने जो वहाँ सामाजिक समीकरण बनाया है वो अभी तक दुरुस्त लग रहा है। अभी जब हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे तो झांसी की रानी, झलकारी बाई, उन सब प्रतीकों का इस्तेमाल कर रहे थे, और हाल में देखिए आज भले प्रियंका गांधी वहां गई है, प्रतीकों का इस्तेमाल भी कर रहे थे और साथ ही साथ विकास की गंगा भी वहां पर बहा रहे थे। 3,263 करोड़ की सौगात, जल की कमी, और ऐसे में पिछली सरकारों ने इस इलाके में ध्यान नहीं दिया, ये कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को एहसास करा रहे थे कि उनकी सरकार ने खासतौर से बुंदेलखंड पर किस तरीके का फोकस किया। शशि शेखर जी हमारे साथ मौजूद हैं, और शशि जी खासतौर से अगर बुंदेलखंड इलाके की बात की जाए तो प्रधानमंत्री का तो रिश्ता भी गहरा, क्योंकि 2019 लोकसभा चुनाव महोबा जो है उत्तर प्रदेश का, वहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी में लोकसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी।
महोबा बड़ा इम्पोर्टेंट है पौराणिक तरीके से। रेहाना वहाँ पर आला उदल का एक पौराणिक चरित्र है जिसको कि बुंदेलखंड के लोग बहुत प्यार करते हैं और अपनी बहादुरी से जोड़ते हैं, अपनी आन बान शान से जोड़ते हैं। महोबा का पान भी बहुत मशहूर है। लेकिन इस बार बुंदेलखंड जो है वो किधर जाएगा, आपके सर्वे से बिल्कुल साफ अभी दिख रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी थोड़ी कश्मकश बाकी है। क्योंकि बीएसपी किसी जमाने में यहाँ पर बड़ा गेन किया करती थी, 2009 में बीएसपी की सरकार बनाने में बुंदेलखंड का बहुत बड़ा योगदान था, और उसके बाद समाजवादी पार्टी ने भी रूट वहाँ पर जमाए, और किसी एक जमाने में वहाँ पर ददुआ के नाम का भी फायदा उठाया राजनीतिक दलों ने जी। तो आज की तारीख में जो बीजेपी ने वहाँ पर जिस तरीके से अपने पैर जमाए हैं उसमें कोई सेंध लगती है या नहीं लगती है, उसके लिए हमें कुछ हफ्ते और इंतज़ार करना होगा। एक हफ्ते का जो मामूली 1% की घटत बढ़त है, इसको मैं बहुत ज़्यादा महत्व अभी नहीं दूंगा, थोड़ा समय हमें वेट करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, हम तो हर हफ्ते ये सर्वे लेकर आ रहे हैं और इसीलिए हम कह रहे हैं कि कमोबेश जो स्थिति है वो तस्वीर है। इस बीच सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोहिवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ कई खास मेहमान भी हैं। मनोज्ञा, कुल मिलाकर बुंदेलों की ये जो वीर धरती है, इस बार राजनीतिक धुरंधरों में किसकी ताजपोशी का मन बना रही है? जी, बड़ा दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि एक और बीजेपी मानती है कि उनका सबसे बड़ा किला बुंदेलखंड ही है। लेकिन मैं इस समय हूँ प्रतापगढ़ में, बात करेंगे लोगों से, हमारे साथ विधायक साहब हैं। पाल साहब, ये बताइए कि इस बार अपना दल, घटक दल हो या बाकी सारे दल हो, बीजेपी के साथ सामंजस्य बैठा पा रहे हैं या उसमें दिक्कत हो रही है, बेसुर और बेताल भी हो रहे हैं कुछ? ऐसा कुछ नहीं है, बहुत मजबूत गठबंधन है, पूरी जिम्मेदारी के साथ है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ दमदारी से खड़े हैं। सर्वे में तो आंकड़े बदलते नजर आ रहे हैं और स्लिप होते चले जा रहे हैं आपके साथ, जितने भी लोग खड़े हैं। देखिए, हमारे दल का जो मानना है, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं और 2014 से आज तक हमारे गठबंधन में जरा सी भी दिक्कत न रही है और न भविष्य में रहेगी। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, समाजवादी पार्टी के समर्थक भी हमारे साथ हैं, आप ही बता दीजिए कि इस बार जो आंकड़े हम सर्वे दिखा रहे हैं जिसमें आंकड़े बदल रहे हैं बार बार, और समाजवादी पार्टी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी, जिसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है 350 पार रहेंगे हम लोग, और इनके कुछ नहीं है, ये वैट कम करके पेट्रोल और डीजल पे उन्होंने काम किया है। जब से डीजल पेट्रोल पे काम इन्होंने किया है तब से ये सोच रहे हैं कि हमारी जो है जनता में अच्छी पैठ बन गई है। लेकिन जनता को आप खुद देख रही होंगी हर डिस्ट्रिक्ट में कि इनका कितनी गिर गया है रेशियो, इनका जो है 25, ज़्यादा 25 सीट पाएंगे बस पूरे यूपी में। 25 सीट पाएगी बीजेपी, ऐसा मानना है, कैसे देखते हैं? वो अपनी सीट के बारे में बता रहे हैं। देखिए, लोग अपने अपनी सीट के बारे में सभी बताते हैं, उनको जितनी सीटें मिल रही हैं वो जानकारी आपको दे रहे हैं। और रही बात भाजपा की, महंगाई तो है, महंगाई दिख रही है नेताओं को। भाजपा जो है सबका साथ सबका विकास पे काम कर रही है जी। और सब जन सहभागिता के साथ सरकार चल रही है, जन सहभागिता की बात हो रही है और जनता बहुत गौर से देख भी रही है। बिल्कुल, देखिए नेताओं के अपने अपने दावे और जनता हर दावे को परखेगी। फिलहाल अगले रीजन का रुख कर लेते हैं और अगला रीजन अवध का इलाका, लिए चलते हैं आपको सीधे शीरीन के पास। बिल्कुल रोमाना, अगला रीजन भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 118 सीटें इस रीजन में आती है, यानी कि हम अवध की बात कर रहे हैं जिसमें राज्य की राजधानी लखनऊ भी आती है, जहां से ये पूरी सियासत उत्तर प्रदेश की चलती है। तो आप बात कर लेते हैं इस हफ्ते के आंकड़े आखिर इस रीजन के क्या कहते हैं, आखिर यहां पर जब हमने जनता के बीच जाकर लोगों से बात की तो क्या आंकड़े निकल कर सामने आए। देखिए, अवध रीजन में आखिर इस बार किसे कितने वोट मिलने जा रहे हैं, एक हफ्ते के आंकड़े क्या कहते हैं। तो एक आंकड़े ये है रोमाना, बीजेपी प्लस को यहां पर 43% वोट शेयर दिखाई दे रहा है, एसपी प्लस को अगर हम बात करें तो यहां पर 31% वोट शेयर दिखाई दे रहा है। अवध रीजन में बीएसपी की स्थिति यह है कि 10% वोट शेयर यहां पर आप देख सकती हैं। इसके अलावा कांग्रेस के आंकड़े ये कह रहे हैं कि 8% वोट शेयर कांग्रेस को अवध रीजन में यहां पर दिखाई दे रहा है, और अन्य इन 118 में जो वोट शेयर अन्य को दिखाई दे रहा है वो 8% यहां अवध रीजन में। रोमाना, इस हफ्ते के आंकड़े, तो इस हफ्ते के बड़े आंकड़े शीरीन ने आपको दिखा दिए हैं, लेकिन इस हफ्ते के आंकड़े आप समझेंगे तभी जब आप पिछले हफ्ते का सर्वे भी देख लेंगे, और ऐसे में 20 नवंबर की वो तारीख जब पिछले हफ्ते हम ये साप्ताहिक सर्वे लेकर आए थे, क्या बदली तस्वीर? बदलाव ये हो रहा है कि बीजेपी गठबंधन जो है 1% उसकी बढ़ोतरी हो रही है, 42% पिछले हफ्ते था, इस बार 43% पर पहुंच गया है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को यहां पर नुकसान, 3%,
34% पिछले हफ्ते था, इस बार घटकर 31% पर रह गया है वोट शेयर समाजवादी पार्टी गठबंधन का। बीएसपी को देखिए, यहां पर फिर से 3% का नुकसान। पिछले हफ्ते 13% का आंकड़ा, इस बार 10% रह गया है। कांग्रेस के खाते में पिछले हफ्ते 7% वोट शेयर जा रहे थे, इस हफ्ते 1% की बढ़ोतरी के साथ 8%। तो कुल मिलाकर ये जो बड़ी तस्वीर उभर रही है अवध के इलाके से, मुझे लगता है पंकज जी को इस पर बताना चाहिए, क्योंकि यही अवध का इलाका जहां पर राम मंदिर आंदोलन की लहर पर सवार होकर बीजेपी सत्ता में पहुंची थी उत्तर प्रदेश में पहली बार, और अब तो राम मंदिर का निर्माण यहीं पर। सबसे हैरान करने वाला जो आंकड़ा हमें दिख रहा है रोमाना, उसमें बीएसपी का देखिए 13-10% वोट शेयर जो है वो गिरा है। अगर ये गिरा है तो ये जा किधर रहा है? और ये वो इलाका है जहाँ पिछले चुनाव में बीजेपी को अच्छी खासी बढ़त मिली थी, वो सामाजिक समीकरण के आधार पर भी और हिंदुत्व के आधार पर भी। और अगर हम हफ्ते भर का ये सर्वे करते हैं तो बीजेपी नेताओं का जिस तरीके से आजकल कार्यक्रम बन रहा है वहाँ पर, और जितनी उन्होंने रैलियाँ की, हालांकि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने उस इलाके में भी रैलियाँ की हैं, फिर भी मुझे लग रहा है कि अभी वक्त देना चाहिए। लेकिन बीजेपी का अभी भी इस इलाके में होल्ड बना हुआ है अगर इस आंकड़े को देखें। ABP News, आपको रखे आगे।